Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target 100 in Mathematics by Shivesh Kumar Singh. और आज हम बात करने जा रहे हैं CBSE करिकुलम ग्रेड 11 के फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें प्रैक्टिस की बहुत कम जरूरत होती है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक. सेट थ्योरी बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे इसको और ये आई एम श्योर कि आपको आसान लगेगा. ठीक है, सेट थ्योरी. अब इसके लिए क्या करिए, आप देखिए, पहले तो अपने सराउंडिंग्स में क्या हम कोई ऐसे ऑब्जेक्ट ढूंढ पाएंगे जिसमें सेट वर्ड यूज किया जाता है. अगर आप ध्यान देंगे तो जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई वर्ड. जैसे हम यूज करते हैं घर में डिनर सेट, यूज करते हैं डिनर सेट. इसी तरह से और हम क्या यूज करते हैं, सोफा सेट, ये भी यूज करते हैं. ठीक है, इसी तरह से लेमन सेट या बुक सेट, इस वर्ड यूज करते हैं ना. तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहां पर सेट वर्ड जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसी ना किसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. जैसे अगर हम सोफा सेट की बात करें तो सोफा सेट में क्या होता है, एक बड़ी चेयर होती है, दो छोटी चेयर होती है और एक सेंटर टेबल होती है, यही होता है. तो अगर इसमें एक कोई सिंपल सा हमने कोई चेयर रखनी चाहिए और पूछा कि ये क्या इस सोफा सेट का पार्ट है, तो आप क्या कहेंगे, ये नहीं है. क्यों, क्योंकि वो उससे मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये मैच ना करवा पाना ही इस सेट की सबसे बड़ी खासियत है. और इसी को समझ गए आप अगर, तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो क्या होता है सेट, बेसिकली सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स. सेट क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब देखिए इसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तक तो ठीक है भाई, हम जिसको भी बोलेंगे उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वेल डिफाइंड यहां बोलने का क्या मतलब है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है यहां पर. वेल डिफाइंड बोलने का क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि इफ फॉर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वी कैन से दैट यस दिस एलिमेंट विल बिलोंग टू द कलेक्शन और नो दिस एलिमेंट विल नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन. मीन्स इफ यू आर श्योर, अगर आप श्योरिटी के साथ में ये कह सकते हैं कि ये उसमें होगा या नहीं होगा, ओनली देन दैट कलेक्शन विल बी वेल डिफाइंड. और जब कलेक्शन वेल डिफाइंड होती है तभी वो सेट होता है. ठीक है, ध्यान से देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को. जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स. तो अब इसमें देखिए ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है या नहीं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा पता करें. अगर हमने किसी भी एक स्टूडेंट का नाम ले लिया, से फॉर एग्जांपल ए, अगर मैंने ये कहा कि आप ये इस कलेक्शन में होगा या नहीं, गुड स्टूडेंट्स की क्लास में होगा या नहीं, आप अपना ही नाम ले लीजिए. ठीक है, आप अपना नाम लेंगे यहां पर, तो आप इस कलेक्शन में होंगे या नहीं गुड स्टूडेंट्स की. तो अब पता चला कि भाई यहां पर हो सकता है मैं किसी सब्जेक्ट में अच्छा हूं, किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूं, या मैं एकेडमिक्स में अच्छा हूं लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूं, हो सकता है मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूं लेकिन एकेडमिक्स में ठीक नहीं है मेरा. ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि हम किससे पूछ रहे हैं. अगर हम स्पोर्ट्स के टीचर से पूछेंगे तो आप उसमें अगर अच्छे हैं तो बोलेंगे बहुत बढ़िया बच्चा है वो. ठीक है, तो अब इसमें कलेक्शन जो है वो श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट पर्टिकुलरली इसमें होगा या नहीं होगा. और अगर ऐसा हम कह सकते हैं, अगर हम श्योर नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कलेक्शन फिर वेल डिफाइंड नहीं होगा. ठीक है, और जब वो वेल डिफाइंड नहीं है तो उस तरह से वो फिर सेट नहीं होगा. ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी कलेक्शन इसमें अपने आप ले लीजिए. जैसे मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन इन इंडिया. ठीक है, अब इसमें देखिए, अब अगर इसमें मैंने कहा कि से विराट कोहली फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब विराट कोहली का नाम आते ही पता लगा कि अब भाई उनसे अच्छा तो कोई खैर इस समय और कौन है इंडिया में. ठीक है, तो अब यहां पर सिनेरियो देखिए चेंज है. मैं दो तरह की कंडीशंस आपको बता रहा हूं, दोनों को इमेजिन करेंगे थोड़ा सा, कि इंडिया को जीतने के लिए से 50 रन चाहिए. ठीक है, और लास्ट विकेट केवल बाकी है, विराट कोहली क्रीज पर आते हैं और वो अपना फटाफट 4-6 मार करके पूरी मतलब जितवा दिया उन्होंने, टीम जीत गई. ठीक है, तो क्या होगा, ही विल बी द बेस्ट बैट्समैन टिल द नेक्स्ट मैच, यस और नो. ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन कंसीडर करिए, कोई हमारा फाइनल मैच चल रहा है इंडिया का और 2 रन चाहिए केवल जीतने के लिए, विराट कोहली स्ट्राइक पर आ गए और आते ही वो बॉल पर बोल्ड हो गए और हम मैच हार गए, तो अब इससे क्या होगा, टिल नेक्स्ट मैच,
ठीक है, उनकी इतनी क्रिटिसिज्म होगा, उनको इतना क्रिटिसाइज किया जाएगा न्यूज में, मीडिया में, पब्लिकली, हर जगह, तो मतलब उनसे बेकार फिर उस समय कोई होगा ही नहीं। तो ये एक तरह का सिस्टम बना हुआ है। तो अब यहां पर क्या है, देखिए कि ये कैटेगरी भी आपकी वेल डिफाइंड नहीं हुई, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है किसी ना किसी सिचुएशन पर। तो हम यहां श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 90% इन देयर फाइनल एग्जाम्स। ओके, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हुज स्कोर्स वर मोर देन 90% इन ग्रेड 10। ओके, चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने किसी एक बच्चे का परसेंट लिया, उसका है 75%, तो क्या वो इस कलेक्शन में होगा? नहीं होगा। अगर मैंने एक स्टूडेंट लिया बी, उसका परसेंट है 95%, तो क्या वो इस कलेक्शन में होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? ये कंडीशनल हो गया। अब हम इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो उस कलेक्शन में होगा, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उस कलेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां से आपको और क्या समझना है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं थोड़ा सा समझने के लिए, उनको हम ध्यान से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कुछ एग्जाम्पल्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब हमें यह देखना है कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर मैंने आपसे एक नंबर लिया 3/2, तो क्या ये उस कलेक्शन में होगा, नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन में? नहीं होगा। आई एम श्योर आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, सो 1, 2, 3, 4, लाइक दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर कैन बी टेक -2, -2 इस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव है। इफ आई टेक 3, 3 इस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि 3 एक नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अब यहां से आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड कब होगा, और अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो वो सेट होगा, और नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि भाई हम सेट को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सो सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से, ए बी सी या कोई भी कैपिटल लेटर ले लेते हैं हम, और कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हम इनके एलिमेंट्स को लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी, लाइक दैट। ओके, कर्ली ब्रैकेट्स में हम उनको सेपरेटेड बाई कॉमा कर देते हैं, और किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते, और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उस एलिमेंट को केवल एक बार काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा ए बी ए, और मैंने आपसे पूछा इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि देयर आर 3 एलिमेंट्स इन द सेट, नो, देयर विल बी ओनली 2 एलिमेंट्स इन द सेट। व्हाई? बिकॉज ए इज रिटन 2 टाइम्स। ठीक है, ये समझ में आ गया कि किसी भी सेट को हम डिनोट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ये इनको एलिमेंट्स कहा जाता है, और इन एलिमेंट्स को हम लिखते हैं कहां पर, दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। ये बात आ गई समझ में? अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या समझना है कि सेट्स के हमारे रिप्रेजेंटेशन और कौन कौन से होते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना तक ही रखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स तक, इसको बहुत बड़ा नहीं करेंगे अभी। ठीक है, देखिए रिप्रेजेंटेशन में पहला आता है रोस्टर फॉर्म। क्या आता है? रोस्टर फॉर्म। अब इसमें देखिए बच्चे कभी कभी मिस्टेक से क्या करते हैं कि रोस्टर को ऐसे लिख देते हैं, ROASTER, तो अब ये कुछ अलग तरह का ही रोस्टर बन जाता है। ठीक है, तो आपको इससे बचना है, थोड़ा सा ऐसे नहीं लिखना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, एक नाम है ये मैथमेटिशियन का, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा हुआ है, रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो अब इसमें रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर रिटन इन द ब्रैकेट्स। अभी जैसे जो लास्ट एग्जाम्पल लिखा था मैंने, वो रोस्टर फॉर्म का ही था। ठीक है, जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिख दिया AEIOU, AEIOU। अब इसमें क्या है, अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है रोस्टर फॉर्म का। क्या डिसएडवांटेज है, कैन यू इमेजिन अबाउट दैट? रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, क्या है आपको समझ में आ गया, हम सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो अब इसका डिसएडवांटेज क्या होना चाहिए कि अगर हमारे सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं
तो वो लिखने में क्या होगा, स्पेस अक्यूपाई होगा, वो लिखने में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, वो लिखने में क्या होगा, हो सकता है कोई एलिमेंट मिस हो जाए या कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए, ठीक है। तो अब इससे बचने के लिए क्या किया गया कि एक और तरह का प्रेजेंटेशन बना दिया गया जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कोई भी कैपिटल लेटर लिख देते हैं सेट के लिए, जो हमेशा लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉल लेटर लिखना है, नॉर्मली हम एक्स लिखते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। देन कोलन, इस कोलन को हम क्या कहते हैं, सच दैट, क्या कहते हैं, सच दैट, ठीक है। तो क्या किया अभी तक मैंने, एक्स कोई भी स्मॉल लेटर ले लिया, सच दैट। अब इस पर एक हमें ऐसी प्रॉपर्टी लगानी है इस एक्स पर जिससे कि जो रिक्वायर्ड एलिमेंट हैं बस केवल वही आने पाए, कोई एक्स्ट्रा भी ना हो और ऐसा ना हो कि कोई रिक्वायर्ड एलिमेंट भी छूट जाए। तो जैसे हम यहां क्या लिखेंगे, एक्स इज अ वॉवल, क्या लिखेंगे, एक्स इज अ वॉवल, ठीक है। तो अब देखिए ये वॉवल्स ही मैंने लिखे हुए हैं, तो अब यहां बहुत होगा, स्पेसिफिकली आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो इस तरह से ये दो सेट्स को फॉर्म, दो सेट्स के फॉर्म बताया मैंने आपको, एक सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हम एक स्मॉल लेटर लिखते हैं और उस स्मॉल लेटर पर एक प्रॉपर्टी लिख दी जाती है। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन तो देखिए डेफिनेटली आना ही होता है कि आपको सेट बिल्डर, आपको ये रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन लिखा रहेगा कि रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखिए या सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखिए। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा कोई भी क्वेश्चन, वन ओवर टू, वन ओवर थ्री, सॉरी टू ओवर थ्री, यहां टू है ये, टू ओवर थ्री एंड देन थ्री ओवर फोर, देन फाइव ओवर सिक्स एंड सो ऑन, ठीक है। ये इसके कॉन्टिन्यूएशन में ऐसे ही है। अब हमें करना क्या है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे अब इसको, देखिए अभी क्या बताया मैंने कि एक यहां पर x लिख दीजिए, कोई भी स्मॉल लेटर लिख दीजिए। अब देखिए हर एक नंबर इसमें फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में डिनोट करने के लिए हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर चाहिए कोई भी, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या रिलेशन देख रहे हैं, वही रिलेशन ही ढूंढना यहां पर मेन होता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, दैट डिनोमिनेटर इज वन मोर देन द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में कुछ भी है डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा है। और वैसे ये सारे नंबर्स हैं क्या, ये सारे नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। ये जो मैंने एक अजीब सा साइन लिखा है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा एक दो क्लास के बाद बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक। अब इसी का अगर हम रिवर्स देखें, रिवर्स क्या हो गया, मान लीजिए कि अगर हमें से क्वेश्चन जो है वो सेट बिल्डर में दिया हुआ है, x इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, अब इसको हमें रोस्टर में लिखना है, तो रोस्टर में कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, खाली एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस वन। तो ये दो एलिमेंट आ गए इसके लिए, तो एक हो गया प्लस वन और एक हो गया माइनस वन, ठीक है। तो इस तरह से करके देखिए आपने, आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखा कैसे जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस बताई मैंने आपको, व्हेन इट इज टाइम टेकिंग टू राइट द सेट ऑल एलिमेंट्स इन द सेट, देन इट्स बेटर टू राइट सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके। Thank you.